नमस्कार, आप देख रहे हैं DNCT लाइव न्यूज। DNCT लाइव न्यूज की एक पुकार, घर पर रहिए सौ परिवार। स्टे होम स्टे सेफ। किए गए लॉकडाउन के दरमियान रोज कमाने खाने वाले लोगों के सामने आम जनजीवन को लेकर जैसे ठप सा हो गया है, और उनके सामने दो दिन की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सरोजी नगर के कड़ौनी ग्राम सभा के दुदैया खेड़ा में। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं जो डेली मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इनका आइए इन ग्रामीणों से बात करते हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? राजू। क्या समस्या है आपकी? समस्या भैया यही, राशन नहीं मिल रहा, ना खाने को मिल रहा, ना मजदूरी है कोई नहीं, और आधार कार्ड वो जॉब कार्ड बना उसका पैसा कहीं ना हो, कहीं पैसों नहीं हम लोगों ने मिला। क्या ऑनलाइन करवा, हमारे लोगों ने कट गया, सबका ऑनलाइन हो गया। तो आप मनरेगा में काम करने गए थे? बिल्कुल गए नहीं। कब गए थे? अरे सब टाइले अब क्यों गए ना, सब टाइले या खड़ंजा सब हमारे लोगों ने लगाए है। अपना राशन कार्ड बता दो। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है भैया कि जो है पर एक लोगन, हम 10 सदस्य अपने घर के खाने वाले, और इनमें केवल एक लोगन का नाम चाहा है कार्ड से। अच्छा। हाँ, मजूरी करके खाई थे बहुत लैया रहो करने। तो जब राशन इतना कम मिल रहा, तो आप लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? मजदूरी करी थी यही इतने दिन से, अब तो मान के चलो ये कोरोना चल गया, इसलिए पैसा नहीं, ईटा गारा नरेगा यही सब कुछ कर रहे थे। अब बंद है 2 महीने। हमारे 7 लड़के हैं, उसके बाद जो है राशन कार्ड भी हमारा नहीं बना है। मजदूरी कर करके हम समय कमा खा रहे थे, कोरोना के कारण जो है हम लोगों को इतनी दिक्कत है कि इस समय जो है एक रोटी एक टेंट की मुहाल है, बहुत परेशानी हम लोगों को है। और यहाँ उस पीरियड में राशन भी बटा, हम कोटे पर गए भी थे तो 2 किलो तो पराठा प्रधान जी ने दिया था, वो 2 दिन चला, आज खत्म हो गया। आज उनको बनाने खाने के लिए कुछ नहीं। अच्छा, प्रधान जी के अलावा कोई प्रशासनिक अधिकारी, लेखपाल, BDO या कोई यहाँ कुछ आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं। यहाँ पर कोई भी नहीं आता, जो भी आता प्रधान के पास जाता, यहाँ कोई जरूरत ही नहीं, चले जाते हैं, प्रधान जो बताता वही करते हैं। तो आप लोग अपना यहाँ पर रोटी कैसे खा रहे हैं? कैसे खा रहे हैं? धार विधार कहीं से ले लेते राशन आप कह रहे थे कि घटतौली की जा रही है, 4 किलो चावल 6 किलो के। तो ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ के निवासी कितनी बड़ी मात्रा में पीड़ित है, और यहाँ इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये सब आदमी अपना जीवन यापन झुग्गी झोपड़ी डालकर किसी तरह निर्वाह कर रहे हैं, और इस महामारी के दौरान इनको यह तक जानकारी नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं,